हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 100वां भाग 100th क्या होता है इसके बारे में जाना। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। अप्पू और चंदा अपने अपने घरों के लिए मेज खरीदने बाजार आए हैं। चंदा को ये मेज बहुत पसंद आया। उसने चाचा से पूछा, चाचा ये मेज कितना लंबा है? ये मेज 1.20 मीटर लंबा है, चाचा ने चंदा से कहा। ये कितने मीटर हुआ चाचा? मैं कुछ समझ नहीं पाई। चंदा सोच में डूब गई। चंदा बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बताओ 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 100 सेंटीमीटर के। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100th भाग है। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि हम किसी भी संख्या के 100वें भाग को दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल करके कैसे लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां भाग है। यहाँ हम 1 को 100 से भाग कर रहे हैं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि 100 में कितने शून्य होते हैं? चाचा ने चंदा से पूछा। 2 शून्य। बिल्कुल ठीक। अब ये बहुत आसान है। हम संख्या के अंत से शुरू करके दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट को 2 बार बाईं तरफ इस तरह सरकाएंगे 1। और क्योंकि इस संख्या में केवल 1 अंक है, हम उसकी बाईं तरफ 1 शून्य जोड़ लेंगे और फिर दूसरी बार दशमलव बिंदु को बाईं तरफ सरकाएंगे। इस तरह 1 सेंटीमीटर हो गया 0.01 मीटर। चाचा ने चंदा को समझाया। अच्छा, अब मैं समझ गई चाचा। इस मेज की लंबाई है 1.20 मीटर। दशमलव के बाद 20 या 1 मीटर का 20वां भाग है, क्योंकि 1 मीटर का 100वां भाग 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 मीटर का 20वां भाग 1×20 या 20 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इस तरह इस मेज की लंबाई होगी 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। शाबाश चंदा, तुम तो बहुत जल्दी सीख गई, चाचा ने चंदा से कहा। अप्पू को ये मेज पसंद आया। चाचा, इस मेज की लंबाई कितनी है? चंदा ने चाचा से पूछा। 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर, चाचा ने चंदा से कहा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इस मेज की लंबाई को हम दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल करके कैसे लिख सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। मेज की लंबाई 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर 1 मीटर का 500th भाग है। दूसरे शब्दों में, हम 5 को 100 से भाग कर रहे हैं। इसे दशमलव बिंदु का इस्तेमाल करके लिखने के लिए हम चाचा ने सिखाई प्रक्रिया के हिसाब से पहले 5 के अंत से शुरू करके दशमलव बिंदु को पहले 1 बार बाईं ओर सरकाएंगे और फिर क्योंकि 5 केवल 1 अंक से बना है, हम 5 की बाईं तरफ 1 शून्य जोड़कर 1 बार फिर दशमलव बिंदु को बाईं तरफ सरकाएंगे। इस तरह 5 सेंटीमीटर हो गया 0.05 मीटर। इसमें अब हम 2 मीटर के साथ जोड़ दें
तो मेज की लंबाई होगी 2.05 मीटर। चंदा और अपू ने अपने अपने मेज खरीद लिए और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा सौवां भाग 100th क्या होता है इसके बारे में और जाना। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे।